भारत ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 6 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी गई हैं और 10 पाक सैनिक मारे गए हैं। इस पर और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी, 6 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी गई हैं और 10 पाक सैनिक मार गिराए गए हैं, बड़ी कार्रवाई? जी हाँ, फायरिंग जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग हो रही पिछले 2-3 दिनों से, उसमें कल से तेजी आ गई है और उसी हिसाब से उनका रिटेलिएशन हो रहा है। और हीरा नगर से लेकर अखनूर तक, यानी एक तरह से कहा जाए तो पूरी, लगभग पूरी आईपी पर बहुत तेज गोलाबारी हो रही है। भारतीय सुरक्षा बल BSF ने बहुत जबरदस्त ढंग से जवाब दिया है। उसमें पाकिस्तान की कम से कम 2 आउटपोस्ट पूरी तौर पर तबाह हो गई है और 3 मोर्टार पोस्ट भी निशाने पर आई BSF की मोर्टार के। तो ये एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 10 पाकिस्तानी सैनिक इन कार्रवाई में मारे गए। इंटरसेप्शन पार्टीज जो है उनको वायरलेस इंटरसेप्शन से जो पता लगा है, उनसे भी ये पता लगा कि पाकिस्तान के रेंजर्स और फौजें आपस में बड़े नुकसान के बारे में बातें कर रही हैं। इस चीज को वो भी आपस में स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत लंबे अरसे बाद इतनी तेज गोलाबारी देखने को मिली है। जितनी भी अधिकारियों से और लोगों से मेरी बात हो रही है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा है। आमतौर पर जब भी सीज़फायर का वायोलेशन होता है तो इतनी तेज वायोलेशन और इतनी तेज गोलाबारी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी आप ये समझें कि लगभग पूरी आईबी खुली हुई है और LOC पर भी फायरिंग शुरू हो गई है। राजौरी में बहुत जबरदस्त फायरिंग की खबर है और ऐसे ही आशंका जताई जा रही है कि आज दिन खत्म होते होते शायद LP पर और भी कई जगहों पर पाकिस्तानी पोस्ट से गोलाबारी शुरू होगी। जी, पिछले 4 दिन से लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी और अब ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही क्लियर है कि आप 1 गोली मारेंगे तो हम 10 गोली मारेंगे।